Subscribe under 24/7 and press the bell icon. ऑल ऑफ यू वेलकम टू अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब इंडिया पॉकेट। सो आज का जो सेशन है वो पूरा हमारा बेस रहेगा वेन डायग्राम के ऊपर। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल छोटे से मिनट में हम जल्दी से खत्म कर देंगे सेशन को। बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए फटाफट से आपको, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है आपका अपना चैनल अड्डा 24/7। सबसे पहली बात, आज क्या है, दशहरा है, तो दशहरा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अपने अंदर के रावण को आपको क्या करना है, आज खत्म करना है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई बुराई होती है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे मैम आप लोगों को नलायक बोलती हूँ, बच्चों की डिमांड होती है कि मैम नलायक क्यों बोल रहे हो, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ को अच्छा लगता है, लेकिन कोई नहीं, हम थोड़ी सी बुराई हमारे अंदर इसे हम ख़त्म कर लेंगे। सो ठीक है, और कोई बात नहीं, हमेशा अपना जो अंदर की जो बुराई है उसे ख़त्म कीजिए और अपनी ज़िंदगी में अच्छाई के कदम पैर रखिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आप कहीं भी जाते हो आपका जो पर्सनैलिटी होती है वो सिर्फ अच्छाई होती है, बुराई कब तक साथ देगी, कभी साथ नहीं देती, ठीक है। बहुत हो गई ज्ञान की बात है, अब बात करते हैं हम किसकी, अड्डा 24/7 पे आज हैप्पी दशहरा है। दशहरा है तो आपको एक फेस्टिव मंथ है हमारा दशहरा, नवरात्रि, आगे दिवाली आएगी उसका फेस्टिव मंथ है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, जहां पे आपको मिलेगा 40% ऑफ मिलेगा। जितने भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हो वहां पे आपको 40% ऑफ मिलेगा, उस परचेज के साथ, उस ऑफ के साथ आपको मिलेगा एक गारंटेड प्राइस, हो सकता है आईफोन, हो सकता है हमारा क्या मिल सकता है, टेस्ट सीरीज मिल सकती है, 100% कैशबैक मिल सकता है, वाउचर मिल सकता है, रेडमी का फ़ोन मिल सकता है, लैपटॉप मिल सकता है, बतेरे इनाम मिल सकते हैं, 30 लाख तक का आप इनाम जीत सकते हैं। हर एक परचेज पे आप जीतोगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, स्टोर अड्डा से जाके आपको परचेज करना है, और क्या करना है, अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड करती है, ठीक है। चलिए आप फटाफट से वेन डायग्राम पे आते हैं, वेन डायग्राम मैंने आपको सिखाया हुआ है, लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। एनिमल, वेजिटेबल एंड पोटैटो, पशुओं, सब्जियां और आलू, बताइए क्या डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम क्या बनेगा, कौन सा ले भाई, कलर रेड ले लें, चलो भाई रेड ले लेते हैं, ठीक है। चलिए एनिमल, वेजिटेबल एंड पोटैटो की मैं बात करूं तो देखिए जो वेजिटेबल है उसके अंदर क्या आता है, पोटैटो आते हैं, ठीक है। ये वेजिटेबल हो गई, पोटैटो हो गई, हमारे एनिमल हो गए, ठीक है, क्योंकि एनिमल तो अलग है ना, वो वेजिटेबल में आना वरना पोटैटो में आते, लेकिन ऑल पोटैटोज आर वेजिटेबल, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, डॉग, कार्निवोर एंड टाइगर, कुत्ता, मसारी, बाघ। देखिए मसारी कौन कौन होता है, कुत्ता भी होता है, बाघ भी होते हैं, दोनों होते हैं, लेकिन कुत्ता और जो टाइगर होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, तो बच्चा क्या आएगा, ये कार्निवोर आएगा, ये टाइगर आएगा और ये डॉग आएगा, तो सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, टाइम नहीं लगाना, क्योंकि वेन डायग्राम बहुत आसान है, जल्दी से हमें खत्म करना है वेन डायग्राम को। वाटर, सॉल्ट एंड शुगर की यदि मैं बात करूं तो वाटर, जल, नमक और चीनी क्या है, तीनों अलग है भाई, जल अलग है, नमक अलग है, चीनी अलग है, कोई किसी के अंदर नहीं आता, तो क्या आ गया, जो बी आंसर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा, वाटर, सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, ग्राम, जिला और राज्य की यदि मैं बात करूं तो बच्चा विलेज, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में क्या आएगा, बताना है आपको, तो देखिए राज्य के अंदर आता है जिला, जिला के अंदर आता है ग्राम, यदि मैं बात करूं ये विलेज है, विलेज किसके अंदर आएगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा, और डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर आएगा, हमारे स्टेट के अंदर आएगा, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस, व्हीट एंड ग्रेन, चावल, चावल नहीं है, चावल है, ठीक है, चावल, गेहूं और अनाज, बताइए इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा। देखिए चावल और गेहूं दोनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन जो ग्रेन है, जो अनाज है, वो क्या है, चावल और गेहूं है, तो ये क्या गया, ये ग्रेन आ गया, ये हमारा राइस आ गया और ये हमारा व्हीट आ गया, तो आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी, देखो बच्चा है, इसमें मुझे कोई नहीं लगता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, तो फटाफट से क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी, भाषाएं अंग्रेजी और तथा हिंदी, यदि मैं बात करूं अंग्रेजी और हिंदी दोनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन 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 इसमें क्या है, जो लैंग्वेज है तो दोनों लैंग्वेज, यदि दोनों लैंग्वेज है लेकिन अलग है, तो क्या गया, ऑल हिंदी आर लैंग्वेज, ऑल अंग्रेजी आर लैंग्वेज, लेकिन दोनों अलग है, नो अंग्रेजी आर हिंदी, ठीक है, तो लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी, तो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कबूतर, पिजन, बर्ड्स एंड डॉग्स,
कबूतर, चिड़ियां और कुत्ते बर्ड्स में क्या आते हैं? ऑल पिजन्स आर बर्ड, सारे के सारे जो कबूतर हैं वो क्या है? हमारी चिड़ियां हैं। लेकिन कुत्ते क्या होते हैं? कुत्ते क्या है? मैमल से स्तन पाई है, वो चिड़ियां नहीं है, वो उड़ नहीं सकते, अंडे नहीं दे सकते हैं। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ये हमारा बर्ड्स आ गया, बर्ड्स के अंदर आ गया पिजन और बेचारा डॉग अकेला पड़ा रह गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बॉयज गर्ल्स एंड चिल्ड्रन, लड़के लड़कियां और बच्चे। यदि मैं बात करूं बॉयज गर्ल्स एंड चिल्ड्रन की, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बॉयज गर्ल्स एंड चिल्ड्रन में यदि मैं बात करूं तो देखो, चिल्ड्रन की यदि मैं बात करूं, ये क्या आ गए? ये चिल्ड्रन आ गए। ठीक है, ऑल बॉयज आर चिल्ड्रन, हम कह सकते हैं भाई जितने भी लड़के हैं वो बच्चे हैं, बिल्कुल कह सकते हैं हम। ठीक है, ऑल गर्ल्स आर चिल्ड्रन, हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी हमारे जो लड़कियां हैं वो क्या है? बच्चे हैं। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टेबल चेयर एंड फर्नीचर, मेजो, मेजो नहीं है, मेज है, मेज कुर्सियां एंड फर्नीचर का क्या हमारा वेन डायग्राम बनेगा? बहुत आसान है, आसानी से बना सकते हो। देखिए जो टेबल और चेयर होते हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन है किसके पार्ट? फर्नीचर के पार्ट हैं। ये फर्नीचर आ गया, ये टेबल आ गया, ये चेयर आ गया, तो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिंजल मीट एंड वेजिटेबल, देखा जाए तो मीट मांस क्या है? बिल्कुल अलग है, लेकिन ब्रिंजल की क्या है? बैगन क्या है? थाली का बैगन कहते हैं ना, मैंने बचपन में बहुत लाइन मारी ऐसे, थाली का बैगन है। ठीक है, मारनी नहीं चाहिए, किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। मैं अंदर से एक आज की बुराई ये मिटाती हूँ कि मैं कभी भी किसी को कुछ गलत नहीं बोलेंगे। ठीक है, अपने अंदर की बुराई मिटाओ, प्लास्टिक का यूज़ मत करो। क्या आप कर सकते हो ज़िंदगी में? एक ये छोटी सी चीज़ होती है ना, वो भी बुराई होती है, जैसे प्लास्टिक की चीज़ और ये सब। ठीक है, अपने अंदर एक प्रण लो। ठीक है, दुनिया रावण को फूंकती है, मतलब दहन करती है। आप अपने अंदर के रावण को कैसे दहन करो? क्या है आपके अंदर का रावण, उसे दहन कीजिए। ठीक है, देखिए जो बैगन होगा, जो ब्रिंजल होगा, वो क्या होगा हमारा? वेजिटेबल के अंदर आएगा, ऑल ब्रिंजल आर वेजिटेबल। लेकिन जो मीट होगा वो क्या होगा? इससे अलग होगा। जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। 11th क्वेश्चन पे आते हैं, एम्प्लॉयज डॉक्टर्स एंड वुमेन, यदि मैं बात करूं तो देखिए, एम्प्लॉयज, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो हमारे डॉक्टर होंगे। ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज और डॉक्टर ऐसे होंगे जो हमारी महिलाएं होंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा, एम्प्लॉय डॉक्टर एंड वुमेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटल्स, पंखुड़ी, बुके, गुलदस्ता एंड फ्लावर, फूल, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए जो पंखुड़ी होती है, जैसे हमारे होता है ना पेटल्स, जैसे रोज़ का फ्लावर ले लो, रोज़ के फ्लावर को आप ऐसे कर दो, वो क्या होता है? पंखुड़ी होती है, पेटल्स होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? पेटल्स हो गया। पेटल्स किसके अंदर आता है? फूल के अंदर आता है। फ्लावर के अंदर आते हैं, फ्लावर किसके अंदर आते हैं? बुके के अंदर आते हैं। जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बर्ड्स, क्रोस एंड ईगल, चिड़ियां, कोए तथा चील। देखिए क्रोस एंड ईगल एक दूसरे से अलग होती है, लेकिन किसके अंदर आती है? बर्ड्स के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? बर्ड्स के अंदर आती है। तो ये बर्ड्स हो गए, ये हमारे कौवे हो गए, ये हमारे ईगल हो गए। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड फंक्शन की एंड लेटर की, बताइए इसका आंसर क्या होगा? कीबोर्ड फंक्शन की एंड लेटर की। देखिए कीबोर्ड के अंदर हमारे पास दुनिया भर की फंक्शन की और लेटर की होती है, लेकिन फंक्शन की और लेटर की दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये कीबोर्ड आ गया, कीबोर्ड के अंदर ये फंक्शन की आ गया और ये हमारा लेटर की आ गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग टॉल एंड मैन, भवन लंबा तथा आदमी, बताइए इसका आंसर क्या होगा? आसान है भाई, बता सकते हो, इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी। देखो टॉल, ये हमारा ले लिया हमने टॉल, ठीक है, ये टॉल हो गया, लंबा हो गया, आदमी भी लंबा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या बिल्डिंग और मैन में कोई फ़र्क है? मतलब फ़र्क है भाई, बड़ा फ़र्क है, बिल्डिंग कहाँ मैन कहाँ भाई। लेकिन बिल्डिंग बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, लेकिन बिल्डिंग और मैन में कोई हमारा फ़र्क नहीं है। कुछ बिल्डिंग हमारी टॉल हो सकती है, कुछ मैन हमारे लंबे हो सकते हैं। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। 15 के बाद यदि मैं 16 क्वेश्चन पे आती हूँ, सीमेंट, ब्रिक्स एंड बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट, ईंट और भवन निर्माण में से जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा? देखिए बिल्डिंग मटेरियल है, सीमेंट और ब्रिक्स दोनों क्या है? बिल्डिंग मटेरियल, लेकिन दोनों अलग है। तो ये बिल्डिंग मटेरियल हो गया, ये सीमेंट हो गया, ये ब्रिक्स हो गया। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हनी बी, इंसेक्ट एंड हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई,
हाउस फ्लाई, ठीक है, मधुमक्खी, कीट और मक्खी। देखिए इंसेक्ट के अंदर हमारी हनी बी भी आते हैं, हाउस फ्लाई भी आते हैं। इंसेक्ट के अंदर हमारे हनी बी भी आते हैं, हाउस फ्लाई भी आते हैं, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो ये हमारे इंसेक्ट आ गए, ये हमारा हाउस फ्लाई आ गया, ये हमारा हनी बी आ गया। जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होर्स, पैरेट एंड बर्ड्स। अगेन ऐसा क्वेश्चन आया है, जो पैरेट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे बर्ड्स होते हैं, लेकिन जो हॉर्स होते हैं हमारे वो बर्ड्स नहीं होते हैं। तो क्या गया भाई, कहाँ गया, बर्ड्स आ गया, जो हमारे पैरेट है तोते हैं, ऑल पैरेट्स आर बर्ड्स, और लेकिन जो हमारा हॉर्स है वो क्या है, बिल्कुल अलग है। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। डेज, ईयर्स एंड मंथ, आराम से कर दोगे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। डेज, ईयर एंड मंथ, देखिए दिन से मिलके बनता है महीने, महीने से मिलके बनता है हमारा ईयर। तो डेज, डेज के बाद आया हमारा क्या आया, मंथ, मंथ के बाद आया हमारा ईयर। तो आंसर क्या आ गया इसका, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा नेशन, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, राष्ट्र, राज्य और जिले, बताइए इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आंसर आएगा। देखिए जिले डिस्ट्रिक्ट होते हैं किसके अंदर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो हमारे स्टेट के अंदर आते हैं, जो स्टेट है वो किसके अंदर आता है, नेशन के अंदर आता है, राष्ट्र के अंदर आता है। जो बच्चा जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काउस, एनिमल्स एंड गॉड्स, गाय, पशुएं एंड बकरी, जो इसका आंसर बनेगा वो हमारा क्या आंसर बनेगा। देखिए काउ और गॉड्स दोनों अलग अलग है, लेकिन है तो एनिमल, है तो वो एनिमल लेकिन दोनों अलग है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग मटीरियल, सीमेंट एंड वुड, देखिए बिल्डिंग मटीरियल के अंदर सीमेंट एंड वुड आ रहा है, बताइए इसका आंसर क्या है। देखो भवन निर्माण कर रहे हैं हम, ठीक है, भवन का निर्माण किया, बिल्डिंग मटेरियल किस किस की जरूरत पड़ी भाई, सीमेंट की जरूरत पड़ी, अब जचाने के लिए भी तो चाहिए घर को, घर को जचाने के लिए क्या चाहिए, लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, अलमारी कौन जचाएगा भाई, अलमारी भी तो बनेगी, तो वुड क्या आ गया, इसमें आ गया। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। यानी मैं 23rd क्वेश्चन की बात करूँ, डॉग, कैट एंड पेट, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए पेट है, ठीक है, ये हमारा पेट हो गया पालतू, कुछ डॉग ऐसे होंगे जो हमारे पालतू होंगे और कुछ बिल्लियां हमारी ऐसी होंगी जो हमारी पालतू होंगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारी की सारी बिल्लियां हमारी पालतू है, सारे के सारे कुत्ते हमारे पालतू है। बाहर देखें रोड पे कुत्ते भटकते हैं बेचारे, वो पालतू होते नहीं, बिल्लियां भटकती हैं एक छत से दूसरी छत पे, वो पालतू नहीं होती, कुछ बिल्लियां पालतू होती हैं, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, हमें स्क्रीन पे दिखा दिया जाए, क्योंकि आज की क्लास में वेन डायग्राम के 23 क्वेश्चंस कर चुके हैं और इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है वेन डायग्राम का, ठीक है। वेन डायग्राम से कोई आसान चैप्टर मुझे लगता नहीं, बच्चा क्वेश्चन है यार, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं हद से ज़्यादा, ठीक है। इसका एक टाइप हुआ है, दूसरे टाइप को हम डिस्कस करेंगे किसी और की क्लास में, लेकिन आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और 40% ऑफ चल रहा है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उस पर 40% ऑफ चल रहा है, और आपको गारंटीड जरूर कुछ ना कुछ प्राइस जरूर मिलेगा, हो सकता है आईफोन, लैपटॉप, सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, टेस्ट सीरीज मिल सकती है, 100% कैशबैक मिल सकता है, वाउचर मिल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है, अप टू 30 लाख तक का आप इनाम जीत सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको स्टोर अड्डा पे जाके विजिट करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, और हमेशा जो भी आप परचेज करोगे वहां पे आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। और अड्डा की ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। चलिए अब मिलेंगे हम आपसे कल की क्लास में। इतने अपने दशहरा को एंजॉय किए, इसलिए हमने आज बहुत छोटी सी क्लास रखी है, क्योंकि भाई दशहरा है, फेस्टिवल है, एंजॉय करना है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखना।